गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे ना मूंग का चीला बनाने वाली हूँ आज। तो मैंने मूंग को ना पहले रात में भिगा के रख दिया था, मतलब आपको ना इसको ना कम से कम 7-8 घंटा तो अच्छे से इसको भिगा के रखना पड़ेगा अपना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल भी लिया था, चावल को भी ना मैंने अच्छे से भिगा के रख दिया है और इसको ना मैं अभी पीस लूँगी तो ये ना इंस्टेंट बन के रेडी हो जाता है। तो मतलब जैसे आप रात में अगर इसको भिगा के रखोगे ना तो सुबह आप उसको तुरंत बना सकते हो, क्योंकि इसमें ना फर्मेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको इसमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जैसे कि हमको डोसा बनाने के लिए इसमें हमको मतलब पीसने के बाद बैटर को रखना पड़ता है ना 8 से 9 घंटा, तो इसमें वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना तुरंत बन के रेडी हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलो इसको ना मैं अभी पहले पीस लूँगी अच्छे से। तो दोनों को मैंने ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ना मतलब मैं इसको थोड़ा सा अपने लिए सैलेड के लिए अलग करने वाली हूँ। आपको जितना भी लेना है ना आप उतना इसको ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे 2 कप लिया है ना, तो चावल का मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। तो मैंने ना इसका फुल वीडियो भी डाली हूँ अपने चैनल में, मतलब सिर्फ मूंग का चीला की रेसिपी का ना मैंने डाला है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। मतलब मैंने फेसबुक चैनल पर भी डाला है और ना YouTube चैनल पे भी डाला है, दोनों पे डाला है, तो आप दोनों में जाके चेक कर सकते हो। तो चलो मैं इसको ना पहले सबसे पहले पीस लेती हूँ। तो ये ना जूसर प्लस मिक्सर दोनों है, तो मैंने ना ये वाला मिक्सर लिया है अभी। तो आप कोई भी मिक्सर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें ना थोड़ा सा आवाज़ कम आता है करके ना मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसमें अच्छे से पिसा भी जाता है इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं इसको, तो मैंने यहाँ पे ना अदरक भी थोड़ा सा छील लिया है, मतलब मैंने यहाँ पे इतना अदरक लिया है इतना। और मैंने यहाँ पे ना 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ भी ले लिया है। तो आपको ग्रीन चिलीज़ अगर उसमें नहीं ऐड करना है ना तो आप उसको स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार ले लिया है, इसे लॉक कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा ये, तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा इसमें मूंग दाल ऐड कर लूँगी और अदरक और मिर्ची को भी ना मैं साथ में ही डालूँगी। तो मैंने थोड़ा सा मूंग दाल ले लिया था और साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा भी ऐड करूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो बस 1 टेबल स्पून ही आपको लेना है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना ही हम लेंगे। तो नमक तो मैं अभी नहीं डालूँगी, नमक ना हम थोड़ा सा पीस लेने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इसमें ना थोड़ा सा हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। तो पानी ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं ऐड करना है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अब इसको ना वापस से हम लोग ढक के ना, मतलब वापस से हम ना इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो गया अपना, तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। एक और बार मैं इसको ना ब्लेंड कर लूंगी। तो अब ये ना अच्छे से ब्लेंड हो गया है, तो देख सकते हो कि ये ना ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। और आप ना इसमें मतलब पानी ऐड बाद में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको ना
एकदम फेटने के टाइम पे ही अच्छे से पानी डालना है। चावल ऐड कर दूंगी, जितने चावल है ना सारे इसमें ऐड कर दूंगी, और जितने भी इसमें हरे होंगे ना सब एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। इसको भी मैंने डाल दिया। पहले इसे ड्राई पीस लेंगे और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। ये ऐसा भी पी सकते हैं मतलब, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने चावल भी ऐड किया था ना, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा दिख रहा है। इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हल्का सा ना उसकी कंसिस्टेंसी हम पतला रखेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे। और आप जब बनाओगे ना तब इसमें हम मतलब जब भी इसको बनाओगे ना तब उसमें नमक ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। तो हमारा ये बैटर बनके रेडी हो गया है। और यहाँ ना मैंने चटनी पीस लूँगी मैं, तो टमाटर धनिया पत्ती की चटनी के साथ ही अच्छा लगता है बहुत, तो आप इसी के साथ ही ट्राई करना इसको, टमाटर धनिया पत्ती की चटनी के साथ। तो मैंने यहाँ पे दो टमाटर लिया है और ना धनिया पत्ती के डंडल मेरे पास आ गए थे, तो मैं उसको चटनी पीसने के लिए ही रखती हूँ, तो मैं उसको भी ले लूँगी। मैंने यहाँ पे ना इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे चार मिर्ची ले लिया, मेरे को थोड़ी तीखी चटनी पसंद है इसलिए मैं मिर्ची इसमें ज़्यादा डालती हूँ। और ये मिक्सर का जार दूसरा है, इसका दूसरा है, तो मैं इसको पीस के लाती हूँ। तो चटनी ना अच्छे से पिसा गया है, तो ये चटनी में अच्छे से यहाँ पे हमने पीस लिया है। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको धनिया पत्ती की क्वांटिटी और चाहिए ना तो आप और डाल सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो उसे टमाटर ज़्यादा रहने से ना टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो ये बन गया है चटनी। तो अब ये चीला में ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, तो अब मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ना अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है गैस में, पानी के छींटे हम इसमें डाल देंगे। तो मैं पहले इसमें ऑयल डालूंगी, तो पानी के छींटे में बनाया ना उसमें पोर करेंगे। तो ये मैंने ना एकदम लो टू मीडियम में रखा है। हल्का सा ना ऊपर से हम ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। तो ये एक हमारा बन गया है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये। एक और बना के मैं दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी का छींटा मार लिया था और उसके बाद इसमें साइड से ना इसमें ऑयल डाल देंगे।
से इसे ऊपर में भी थोड़ा सा लगा देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना ब्राउन हो गया, मतलब कि ना ये थोड़ा सा मतलब ये पक गया है, तो इसको हम धीरे धीरे करके निकालेंगे। एक बार में ज़्यादा जोर से निकालने जाएंगे ना तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ से ना धीरे धीरे साइड्स को पहले मैं अलग कर लूँगी, उसके बाद धीरे धीरे करके ना इसको हम निकाल देंगे। तो ये हमारा बन गया है एक और, मतलब ये बन गया हमारा एकदम क्रिस्पी बनता है ना ये बहुत ही। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखो क्रिस्पी बना है ना। बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसमें जो हम चावल डालते हैं उससे ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। तो आप भी इसको बना के ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा लगा। तो मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा ये। ये हेल्दी भी है, तो आप इसको सुबह के नाश्ते में या शाम को नाश्ते में या डिनर में भी ले सकते हो। तो आपको आज का ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।